हेलो दोस्तों, माय नेम इज आशीष राठौर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, और एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ले आया हूं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं आप, और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर ना पसंद आए, और साथ में अपने बहुमूल्य कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे ब्रिज के बारे में जो ब्रिज भारत में बन रहा है, और ये इंजीनियरिंग मार्वल है, हमारे भारतीय इंजीनियरिंग की एक ऐसी बड़ी मिसाल बनेगा जब ये बन जाएगा, जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आप लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर से आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटना देखी ही होगी, रोज कोई ना कोई न्यूज़ वहाँ से आती ही रहती है। इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी भारतीय सेना हमेशा मुँह तोड़ जवाब देती रहती है हमारे पड़ोसी देश को, और साथ में वहाँ पर जो भी आतंकी हैं उनको भी अच्छे से मुँह तोड़ जवाब देती रहती है। अब साथ में हमारा रेलवे और हमारे इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों देश में बन रहा है, सिर्फ देश का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जो कि कश्मीर के रायसी में बन रहा है चेनाब नदी के ऊपर। इसकी खासियत क्या है, टेक्निकल डाटा भी बताऊंगा आपको, हिस्ट्री भी बताऊंगा, और एक एक करके हम बात करना शुरू करेंगे। दोस्तों कुछ वक्त पहले अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी रेल गर्डर ब्रिज की, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल गर्डर ब्रिज होने वाला है। ये बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में, रेल परियोजना जो चल रही है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में, तो उसकी वीडियो को आपने बहुत प्यार दिखाया, तो उसी सीरीज का एक ये वाला वीडियो भी हिस्सा है। जो ये वाली वीडियो है आप आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, देख सकते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री की बात करते हैं इस वाले ब्रिज की। इस ब्रिज को चेनाब ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है। ये ब्रिज क्योंकि चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है, और रायसी जो कि कश्मीर में है वहाँ पर ये स्थित है। ये ब्रिज जो है ये USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त मार्च 2002 में प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिल गया था इस USBRL प्रोजेक्ट को, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। उसी के बाद ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका था। रिस्क था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि जिस जगह से बनकर के जाने वाला था रेल लाइन, वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम स्थान है एक रेल लाइन के लिए। साथ में इसको लेग वन, लेग टू, लेग थ्री, लेग फोर में बांटा गया था पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें जम्मू को सीधा बारामूला से जोड़ना था। लगभग 300 किलोमीटर तक की लाइन होने वाली थी, साथ में कटरा तक लाइन पहुंच भी चुकी है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन कटरा की वादियों तक होकर के आती है, बहुत बड़ी बात है, हमारे इंजीनियर्स का बहुत मेहनत है। और जो ये रेलवे ब्रिज की आज मैं बात करने वाला हूँ, ये सबसे ऊंचा ब्रिज ये बन रहा है लेग टू में, जहाँ पर कटरा और बनिहाल 111 किलोमीटर की लाइन बन रही है उसके जोड़ने के लिए, यही एक ब्रिज है जो कि चेनाब नदी के ऊपर से जो कि जोड़ सकता है 111 किलोमीटर के इस पूरे लाइन प्रोजेक्ट को। तो आज लेग टू की मैं बात करूँगा, और बाकी मैं बता देता हूँ थोड़ा कि जम्मू उधमपुर से जुड़ गया और उधमपुर कटरा से जुड़ चुका है। अब कटरा टू बनिहाल, बनिहाल टू काजीगुंड, काजीगुंड टू बारामूला, ये पूरा जो लाइन है ये अभी बनने बाकी हैं। तो इस तरीके से मैं आपको आगे और भी वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर 5 से 10 वीडियो बन सकती हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इंजीनियरिंग मार्वल्स की कमी नहीं है। इस रूट पर पीर पंजाल नामक एक बड़ी सुरंग भी है, जो कि देश की बड़ी सुरंग में से एक है, रेलवे सुरंग में से, और साथ में इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज भी बना हुआ है यहीं पर। तो ये सब चीज़ें एक एक करके ही एक्सप्लेन की जा सकती हैं। तो अब धीरे धीरे इस सीरीज़ में और वीडियो आएंगी, आज ब्रिज की बात करते हैं। तो जो हिस्ट्री थी इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। 2002 से इसका काम शुरू हो गया था ब्रिज का, और उसके बाद 2008 में इसे रिस्कफुल बताया गया, और बताया गया कि ये फिजिबल नहीं होगा, तो इसका काम रोक दिया गया। फिर 2010 में दोबारा इसको हरी झंडी मिली, और 2010 से अब तक ये ब्रिज बन ही रहा है। और जो ये ब्रिज बन रहा है इसकी डेडलाइन आ चुकी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डेडलाइन आई है दिसंबर 2021 तक ये ब्रिज तैयार हो जाएगा, और इसका जो डेडलाइन है इसके तहत जो काम चल रहा है 60% काम पूरा हो चुका है। अब टेक्निकल डाटा की बात करते हैं, ये तो हिस्ट्री थी। कश्मीर के रायसी में चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है ये पुल, एक आर्क नुमा डिज़ाइन वाला पुल है। आर्क आप समझते हैं, जिस तरीके से मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ, ये आर्क नुमा डिज़ाइन है। 359 मीटर ऊँचाई है इसकी तल से, यही इसकी खासियत है। और इसको अगर कंपेरिजन करें तो पैरिस में स्थित आइफिल टावर से 35 मीटर ऊँचा है ये, और साथ में कुतुब मीनार से अगर इसका कंपैरिजन करें तो 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है ये कुतुब मीनार से। जो ये आर्क है, इस आर्क की स्पैन मतलब आर्क के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी 467 मीटर है, और जो आर्क की लेंथ है वो 480 मीटर है। तो टोटल लेंथ और इस पूरे ब्रिज की जो ऊपर से
टोटल लेंथ है 1375 मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। यही इसके पैरामीटर्स हैं जो इसको एक खास बनाते हैं, और जिस क्षेत्र में बन रहा है वहां पर इतना बड़ा पैरामीटर का एक ब्रिज बनाना बहुत बड़ी मतलब इंजीनियरिंग मार्वल ही कहे अगर इंडिया का तो कोई गलत बात नहीं होगी। जब ये ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा तब ये वर्ल्ड के अभी के जो सबसे ऊंचा ब्रिज है वो चाइना के बीपेन रिवर के ऊपर बना हुआ शुईबाई रेलवे ब्रिज है, और इसकी जो ऊंचाई है मैक्स 275 मीटर ऊंचा है, और जो इसका स्पैन लेंथ है वो 236 मीटर है, जो कि 2001 में बनकर के तैयार हुआ था। तो अब हम भारत में देख सकते हैं सबसे ऊंचा रेल गर्डर ब्रिज भी और सबसे ऊंचा आर्क टाइप ब्रिज भी, जो कि रेलवे का सबसे ऊंचा पुल बन जाएगा पूरे वर्ल्ड का। ये ब्रिज जिस रेल लाइन को जोड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रेल लाइन है। कैसे? कश्मीर वैली जो है वहां से कटरा तक जुड़ जाएगा हमारा पूरा रेलवे नेटवर्क। अब मैं अगर आपको मटेरियल की बात करूं तो इसमें मटेरियल कैसा यूज हो रहा है दोस्तों, इस ब्रिज में लगभग 24,000 टन रेनफोर्समेंट स्टील यूज किया जा रहा है, जो कि आप उन्हें कह सकते हैं आयरन रैबर, जैसे कि आपके घरों में जो सरिया वगैरह आता है वो, और 5,452 टन का स्टील यूज हो रहा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील इसमें यूज हो रहा है, और इसमें जो स्टील है वो ब्लास्ट को सहने की क्षमता रखता है। आप जानते हैं कि टेरर अटैक का हमेशा इसमें प्रभाव बना रहेगा कि जिस क्षेत्र में वो स्थित है वहाँ पे टेरर अटैक की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो मटेरियल को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है इस चीज़ के लिए। इस ब्रिज में और इस प्रोजेक्ट में USBRL के रेल प्रोजेक्ट में इरकॉन, जो कि इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी है और एक रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे भी काम करती है, इसने भी सहायता की है, इसको भी काम मिल रखा है। साथ में कोंकण रेलवे को काम मिला हुआ है। कोंकण रेलवे, आप जानते हैं कि कोंकण रेलवे एक ऐसा रेलवे नेटवर्क है जो कि ऐसे दुर्गम स्थान पर जाकर के बनाया गया है जहाँ पर बारिश और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है जिनके बीच में से ट्रेन जाती है, और इलेक्ट्रिफिकेशन भी पॉसिबल करके दिखाया कोंकण रेलवे ने, तो उनकी जो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसका यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और साथ में नॉर्दर्न रेलवे का हिस्सा है तो नॉर्दर्न रेलवे के सुपरविजन में ये काम हो रहा है, और रेलवे बोर्ड की एक्सपर्टीज भी इसमें यूज़ की जा रही है। और कुछ सुनने में ये भी आया है कि फिनलैंड और जर्मनी के इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे डिज़ाइन में मदद करी है कि इस ब्रिज का डिज़ाइन किस तरीके से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो हमारे इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। इस ब्रिज को तैयार किया गया है मैक्सिमम 266 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने वाली एयर के लिए, क्योंकि वहां पर जो वैली है उस वैली में हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई तूफानी हवा अगर आएगी तो इतनी ही रफ्तार से लगभग 200 km/h की रफ्तार से तो जरूर आएगी, तो इसको 266 के लिए तैयार किया गया है। और इसको भूकंपरोधी बनाने के लिए जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, जो इसके पिलर्स हैं उनके पिलर्स के अंदर जो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन को सह सकें और इस पुल को बचा सकें। इस पुल में जो पेंट यूज़ किया गया है वो पेंट बताया जा रहा है कि 15 साल तक टिका रहेगा और जंग लगने से बचाएगा इस पुल को। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सिक्योरिटी क्या दी जा रही है और क्या इसमें सिस्टम लगाए गए हैं टेरर अटैक से बचाने के लिए, क्योंकि टेरर अटैक से बचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके पिलर ब्लास्ट झेल सकते हैं, साथ में इसका जो स्टील यूज किया जा रहा है स्टील के पाइप्स वो 6 इंच चौड़े हैं ब्लास्ट वगैरह को झेलने के लिए। और इसमें जो वार्निंग सिस्टम लगाया जा रहा है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बेस्ड है, मतलब कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है कि आसपास क्या गतिविधि है इस पुल के, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी 24 घंटे जरूर रहेगी। और यहाँ पे एक सेंसर बेस्ड सिस्टम ये भी यूज किया जा रहा है कि जब भी यहाँ पर हवा 90 km/h से ज्यादा चलेगी तो यहाँ पर जो सेंसर यूज किया जाएगा वो सेंसर है वो रेड कलर दिखाएगा, इंडिकेट करेगा, और यहाँ से जो ये रेड कलर यहाँ से इंडिकेशन चले जाएगा सिस्टम में कि अब जो हवा है वो 90 km/h से ज्यादा हो गई है और इस वक्त अब हमें ट्रेन के ऑपरेशन को थोड़ा इस तरीके से हैंडल करना होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों। 150 साल पुरानी हमारी रेलवे में जो ये पुल बन रहा है, ये ब्रिज बन रहा है, ये चेनाब ब्रिज, ये अभी तक का सबसे बड़ा चुनौती है हमारे इंजीनियर्स के सामने, ऐसा कहा गया है। और इंजीनियर्स ने खुद भी माना है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बहुत सी मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, वो लोग जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी कोई दिक्कत आएगी तो, जैसे कि हमारे फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें ऊपर रस्सी से कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, तो ऐसे हमारे इंजीनियर्स भी वहाँ पर ये वाला काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंजीनियर्स को ऐसे ऐसी स्थिति में काम करना पड़ रहा है। लेकिन यार, हैट्स ऑफ यू, ये जो इंजीनियर्स हैं यही हैं जो हमारे देश के भविष्य को बहुत ज़्यादा सुनहरा
करने वाले हैं आगे। और साथ में मैं कहना चाहूंगा इरकॉन और कोंकण रेलवे के इंजीनियर्स और साथ में नॉर्दर्न रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन को कि आप लोगों ने जो हमारे लिए इतना मेहनत करी है रेलवे को वहां तक पहुंचाने के लिए, बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में, जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज आप जब बन जाएगा तो जरूर आप यात्रा करके देखिएगा। अभी भी आप जो कटरा तक जा पाते हैं वो इसी रेल प्रोजेक्ट USBRL का हिस्सा है। तो आप लोगों के पास भी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मेरे को अपडेट कीजिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा जिससे कि लोगों तक वो पॉजिटिविटी पहुँचे जो कश्मीर से आज तक नहीं पहुँच पा रही है। कश्मीर में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सच में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। वहाँ पर जो बर्फ़ जमा हो जाती है उसको हटाने के लिए भी कितनी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इंडियन रेलवे की, जो अभी तक हम फॉरन में देखते थे वो अब इंडिया में भी देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगता है देख करके। और इतने दुर्गम क्षेत्र में भी रेलवे ही वहाँ पर एकमात्र जरिया रहता है, जब सारे रोड लॉक हो जाते हैं तो रेलवे ही एक जरिया है जो लोगों को आवाजाही प्रोवाइड करता है। तो हम अपनी भारत सरकार के भी बहुत तारीफ करना चाहेंगे इस मामले में कि वो अटल जी का जो सपना है उसको पूरा करने में पूरी मेहनत लगा रही है। तो अब हम सब मिलकर के आगे चलते हैं और कश्मीर के बारे में सिर्फ पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं। और दोस्तों आपसे एक बात और करना रह गई थी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, माफ कीजिएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ये यहाँ पर जो ये इतना ऊंचा ब्रिज बन रहा है इसके लिए बहुत ऊंची क्रेन का भी यूज़ किया गया है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केबल क्रेन है जो कि इंस्टॉल की गई है वहाँ पर साइट पर। आपने वीडियो में पीछे दिखा भी होगा, पिक्स में भी दिखा होगा, वो जो क्रेन है उसका स्पैन लेंथ 915 मीटर है। आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर के कितना नज़दीक इसका लेंथ बैठ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऊँची ये क्रेन है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। God bless you all. Bye-bye.